खबर उत्तर प्रदेश के इटावा से है, जहां घर के दोस्तों के साथ निकले युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसका शव घर के दूर स्थित निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे के किनारे एक गड्ढे में मिला। इतना ही नहीं, गड्ढे से ही युवक की बाइक भी बरामद की गई। वहीं परिजनों ने उसके दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत दर्ज की है। वहीं आनन फानन में मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया और फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई। घटना ये हुई है, शाम के 6 बजे के टाइम पे गांव का पड़ोसी का लड़का बोला मुझे उमरैन छोड़ दो। वो मोटरसाइकिल से लेके गया, हमको रास्ते में मिला उमरैन के पास में बीच में। भाई ने पूछा कहाँ जा रहे बेटा, कि हम उमरैन से बियाल इनको छोड़ गया है। रात भर हम लोगों ने ढूंढा, नहीं मिला, गांव के पास में मिला। फिर सुबह सवेरे हम लोग थाने में गए, FIR लिखा रहे थे, तब गांव से फोन पहुंच गया। क्या सूचना मिली आपको? के मोटरसाइकिल पड़ी है, देखा पानी में, हम घुसार के लड़कों को, तो उसमें ये निकला। क्या नाम है? गौरव। गौरव, उम्र क्या हुई इसकी? 19-20 साल। किस क्लास पढ़ता था गौरव? पढ़ता नहीं था, इंटर प्राइवेट फार्म भरी हुई था अपना इंटर में। ये थाना उसरार की घटना है, और वहाँ से पुलिस द्वारा एक व्यक्ति को लाया गया था, और जो है जबकि हमने उसको एग्जामिनेशन किया, उसको देखा तो हम उसको मृत घोषित किया। अल्ली मृत अवस्था में है, तो हमने उसको मृत घोषित किया। बताया अनुसार ये है कि वहाँ पे ये जो है आपका तालाब होगा, वहाँ पे गिरा मिला हुआ है, तो वहाँ से पुलिस लेके आई। वहाँ पर हमने उसकी एग्जामिनेशन किया, मृत अवस्था में डिक्लेयर किया। इसकी सूचना हमने अपने थाने में दे दी है, सुबह 11 बजे के करीब थाना उसराहर पे सूचना प्राप्त हुई थी। गांव कटियार है, थाना उसराहर में, उसको रामशरण जी ने आके बताया था कि उनका लड़का कल दिनांक 9 तारीख शाम 5 बजे अपने किसी मित्र गौरव के साथ शिवकांत के साथ गया था, और उसका एक रिश्तेदार भी साथ था, लेकिन वो वापस नहीं आया था। उन्हें जानकारी मिली है कि जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, उसी के पास किसी गड्ढे में उसकी मोटरसाइकिल और उसका बेटा जो है वो वहाँ पे मृतक अवस्था में पड़ा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी, अन्य थानों का फोर्स व सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुँचे। सबको पंचायत थाना भरते पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। परिजनों ने संदेह जिन लोगों पर जताया है उनके विरुद्ध गठन किया।